हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को मैनफोर्स 50 एमजी टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि मैनफोर्स 50 एमजी टैबलेट खाने से क्या होता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और कौन कौन से लोग इसे खा सकते हैं और कौन कौन लोगों को नहीं खाना है और इसके क्या क्या और कैसे खाना है और किन किन चीज़ों को परहेज करना है, इसे खाने के बाद आपको नहीं खाना है। ठीक, चलिए पूरी बात को डिस्कस करते हैं वीडियो में। जैसा मैनफोर्स 50 एमजी, इसका साल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिलेनाफिल आईपी, जिसका वर्क क्या होता है। सिलेनाफिल का वर्क क्या होता है, सिलेनाफिल जैसे मेनली तरफ से जैसे कि जो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको तेज करके हमारे जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ तक पहुँचाता है, उसमें क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है, जिससे क्या होता है हमारा प्राइवेट पार्ट खड़ा होता है और टाइट होता है। और जिनको नपुंसकता की बीमारी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होता है, जैसे तो वो बेड पे जाते हैं और उनका प्राइवेट पार्ट खड़ा नहीं हो पाता है जिससे मानसिक तौर से वो परेशान रहते हैं, तो उनके लिए क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है और बेड पे जो उनका जो प्राइवेट पार्ट में ढीलापन रहता है उसको टाइट करता है। ठीक, ये जान गए कि अब इसे खाने से, आपको बता दिए कि खाने से क्या होता है और ये कैसे खाते हैं। इसको खाने की विधि है, जैसे कि अगर आप बेड पे जा रहे हो पार्टनर के साथ तो आपको कम से कम एक घंटा पहले इस टैबलेट को ओरली लेना है। याद रखना कि आपको ओरली लेना है, पानी के साथ ही लेना है, ऐसे इसे क्रश करके या चबा के नहीं खाना है, नहीं तो आपको गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और रही बात इसे खाने के बाद क्या क्या चीज़ आपको नहीं खाना है, जैसे कि खट्टे पदार्थ, नींबू हो गया, संतरा हो गया, और भी खट्टे जो चीज़ होती है उसको नहीं लेना, और एल्कोहल, आपको एल्कोहल भी भूल के नहीं लेना है, अन्यथा आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको ये दवा काम नहीं करेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जैसे कि सर भारी रंग लगना, आँख के तरह अंधेरा आना, चारों तरफ घूमना और नाक से ब्लड आना और उल्टी होना, ये प्रमुख लक्षण इसे देखे जाते हैं। ठीक, अगर आप इस टैबलेट को, अगर जो मरीज़ किडनी के, लीवर और बीमारी चल रही हो तो टैबलेट इसको भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है, वैसे व्यक्तियों को अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लेना है, या जो पहली बार खा रहे हो वो अपने डॉक्टर से देख रेख में ही इस टैबलेट को खाएं, वरना आपको गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।